कंगना, ओ कंगना, चाटना बंद कर, मुझे चाट मत, तेरी गंदी लार मुझ पर मत फैला। ये बता कंगना, तू झूठी साबित हो गई ना कंगना? अब माफी मांग महाराष्ट्र सरकार से, सुशांत के समर्थ जो सब लोग थे उनके फैन से, उद्धव ठाकरे जी से, महाराष्ट्र के लोगों से, बॉलीवुड से, उद्धव ठाकरे जी के बेटे से, और जितने भी सुशांत के फैन थे उनसे माफी मांग, क्योंकि तू झूठी साबित हुई है कंगना। ओ कंगना, ओ कंगना, चाट मत, चाट मत मुझे, चाट मत कंगना। अब तो सलमान खान, जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, इंक्लूडिंग उर्मिला मातोड़कर, करण जौहर, जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन सबसे माफी मांग। हाँ, और जिंदगी में कभी भी किसी की मौत का फायदा उठाकर अपनी राजनीति की या अपने आप को स्टार बनाने की रोटियां मत सेकना, किसी का इस्तेमाल मत करना कंगना, समझ गई कंगना? और मुझे तो बिल्कुल नहीं चाटना, मेरे से तेरा मुंह दूरी रख, समझ गई? और जितने भी पिछड़े समाज के लोगों को तूने बुरा भला कहा, गंदा मैसेज पहुंचाया, लोगों में नेगेटिवनेस पहुंचाया, बॉलीवुड को बुरा कहा, दीपिका पादुकोण से माफी मांग, तू सब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से माफी मांग कंगना, क्योंकि तू अब हार चुकी है, तू झूठी है कंगना। अब मुझे तुझ पे बहुत तरस आता है कि राजनीति में तेरी दाल नहीं गली, और बॉलीवुड को बदनाम करने की, बॉलीवुड को तबाह करने की, सेलिब्रिटीज को तबाह करने की तेरी रोटी नहीं गली, तेरा क्या होगा बॉलीवुड में? तुझे तो अब काम मिलेगा नहीं। एक काम कर, तुझे लड़ने का बहुत शौक है ना, बहुत ज्यादा लड़ने का शौक है ना, जा बॉर्डर पे जा, अरे कुछ तो देश के लिए अच्छा काम कर, जाके कुछ चीनी मिनियों को जाके मार दे, तो देश का जो तूने रोटी नमक खाया है उसका तो कुछ भला कर। पर तेरा तो अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर जगह से तू तो नल्ली हो गई है, नल्ली नल्ली कंगना, नल्ली हो गई है कंगना, समझ गई? झूठी साबित हो गई है मुंबई, अभी महाराष्ट्र में तूने देश की जनता को गुमराह किया, महाराष्ट्र पुलिस को बुरा कहा, महाराष्ट्र सरकार को बुरा कहा, महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को बुरा कहा, आज पूरे देश में तेरी शक्ल और तू झूठी ठहरे। तूने मीडिया का इस्तेमाल किया, तूने पॉलिटिशियनों का इस्तेमाल किया, तूने हमारी भोली जनता का इस्तेमाल किया, और जिस बॉलीवुड में तुझे नाम मिला, जिस थाली में तूने खाया वहां पे छेद किया। देश की जनता, बॉलीवुड तुझे माफ नहीं करेगा, रिया तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो कसूर, वो बिल्कुल बेकसूरवार निकली है, क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा कि सुशांत की मौत में बॉलीवुड का हाथ नहीं था, तूने सबके कान भरे, तूने बुरा बोला सुशांत के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, सबको भड़काया कंगना, कई कई तुझे कोई माफ नहीं करेगा कंगना। और कोरोना, ये दोनों ही महामारी की बीमारी देश के लिए महाघातक है, और इनकी सही जगह यहां नहीं है, चाइना में है। हाँ है ना, तुम्हें ऐसे सबका ब्रेन वॉश करने का बहुत शौक है, लड़ाई करने का, वो लोग भी लड़ाकू है बहुत, हाँ सुमड़ी में फुसी मारते हैं, समझ गए? तो और जया बच्चन से भी तू माफी मांग, जया बच्चन जी से भी, पूरे बच्चन परिवार से तू माफी मांग कंगना, सबसे माफी मांग, और अपना बोरिया बिस्तरा लेकर निकल ले चाइना। बाय बाय, बाय बाय कंगना, चाइना चली जा, बाय बाय कंगना।